फ्रेंड्स, आज हम सीपीसी के ऑर्डर 50 और 51, ऑर्डर 50 का रूल 1 और ऑर्डर 51 का रूल 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें ऑर्डर 50 प्रांतीय लघुवाद न्यायालय और ऑर्डर 51 प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय प्रोविजनल स्मॉल काउज कोर्ट्स एंड प्रेसिडेंसी स्मॉल काउज कोर्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑर्डर 50 की बात करते हैं। ऑर्डर 50 प्रांतीय लघुवाद न्यायालय, इसमें से जो बात कही जाती है कि प्रांतीय लघुवाद न्यायालय होते क्या है, जो महानगरों को छोड़ करके जो हमारे यहां महानगर हैं, महानगरों को छोड़ करके जो सिटीज में, जो शहरों में लघुवाद न्यायालय स्थापित हैं, उनके बारे में ये प्रांतीय लघुवाद न्यायालय कहलाते हैं। प्रांतीय लघुवाद न्यायालय जो अन्य शहरों में जितने भी स्मॉल काउज कोर्ट्स हैं। अब ये बने कैसे, ये जो अंग्रेजों के टाइम पे जो सिटीज में छोटे केस होते थे, उन केसेस को डिसाइड करने के लिए और उसके बाद जो बड़े महानगर हैं उनमें जो छोटे केस हैं उनको डिसाइड करने के लिए ये छोटे छोटे जो न्यायालय हैं, कोर्ट्स हैं, ये स्थापित किए गए। तो जो पहला प्रांतीय लघुवाद न्यायालय, उसको प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम 1887, प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम 1887 और उसके बाद बरार लघुवाद न्यायालय अधिनियम, न्यायालय विधि 1905, इन दो के अधीन जो न्यायालय, छोटे न्यायालय गठित किए गए और जहां पर सीपीसी का प्रसार नहीं है भारत के, उन क्षेत्रों में समरूपी अधिकारिता, मतलब यही अधिकारिता रखने वाले जो छोटे न्यायालय स्थापित हुए, उन न्यायालय में कहा गया कि जो वो न्यायालय हैं, वो क्या काम करेंगे, क्या नहीं करेंगे, इसके बारे में ऑर्डर 50 बताता है कि जो लघुवाद न्यायालय हैं, वो संज्ञान से अपवादित वादों में, मतलब जो वाद हैं, उनमें संज्ञान लेना और डिक्री का निष्पादन करना, किसी बात की डिक्री का निष्पादन करना, जो हमारे स्थावर संपत्ति हैं, जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, उनका एग्जीक्यूशन कराना और जो पार्ट है डिवाइड करना है, बंटवारा कराना, बंटवारे का इश्यूज डिसाइड करना है या इश्यूज का सेटलमेंट करना है, इन पर ये स्मॉल काज कोर्ट्स जो बनाई गई उन पर लागू नहीं होता, मतलब वो ये कार्य नहीं करेंगे। कौन कौन सा कार्य नहीं करेंगे, जैसे संज्ञान है, डिग्री का निष्पादन है, स्थावर संपत्ति का निष्पादन है, या पार्टीशन है, या इश्यूज का सेटलमेंट है, ये नहीं करेंगे। और दूसरी बात इसमें कहा गया कि जो सीपीसी का ऑर्डर 2 है, रूल 1, ऑर्डर 10, रूल 3, ऑर्डर 15, रूल 4, ऑर्डर 18, रूल 5 से 12, ऑर्डर 41, रूल 45, ऑर्डर 47, रूल 2, 3, 5, 6 एंड 7 एंड रूल 51, ऑर्डर 51। तो जो ऑर्डर 51 है, मतलब रूल ऑर्डर 2, 10, 15, 18, 41, 47 एंड 51, इन ऑर्डर्स के ये रूल जो कहते हैं, वो रूल भी ये जो लघुवाद न्यायालय है, स्मॉल काउज कोर्ट्स हैं, इन पर लागू नहीं होते, मतलब ये कार्य नहीं करेंगे, इनको सीपीसी के इन प्रावधानों से मुक्त रखा गया। तो बाकी सारे सीपीसी इनमें लागू होगी, लेकिन ये कार्य न करके, क्यों, अगर ये संज्ञान लेंगे, ये एग्जीक्यूशन कराएंगे, ये सेटलमेंट करेंगे इश्यूज का, तो वो केस लंबे चलेंगे और डिटेल में हो जाएंगे। और इनका उद्देश्य ही यही रखा गया कि ये शीघ्र से शीघ्र और संक्षिप्त में डिसाइड करें,
इसलिए ऑर्डर 50 में ये बात कही गई। अब बात आती है कि ऑर्डर 51, तो ऑर्डर 51 में जैसे अभी बात करी कि प्रांतीय लघुवाद न्यायालय, वैसे ही प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय जो महानगर है, जैसे कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, ये उस समय के महानगर हैं। तो इन महानगरों में जो प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय अधिनियम 1882 में बनाया गया, उनके तहत ये स्मॉल कॉज कोर्ट्स स्थापित किए गए जो महानगर हैं। इन महानगरों में, इन कोर्टों में सीपीसी के कुछ प्रावधान जैसे ऑर्डर 5 रूल 22 एंड 23, ऑर्डर 21 रूल 7 एंड ऑर्डर 26 रूल 4, जो ऑर्डर्स हैं, इस ए ऑर्डर्स, इन रूल, ये रूल इस प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय अधिनियम 1882 में लागू नहीं होंगे। मतलब ये जो चीज है ये महानगरों में लागू नहीं किया जाएगा इस रूल को, जो वहां पर स्मॉल कॉज कोर्ट्स जो प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय अधिनियम 1882 के तहत स्थापित किए गए। तो ये बात ऑर्डर 50 में और ऑर्डर 51 में, जो 50 प्रांतीय लघुवाद न्यायालय जो महानगरों को छोड़ करके रेस्ट सिटीज हैं उनमें जो स्थापित किए गए, और जो महानगरों में स्थापित किए गए प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय उनमें ये रूल लागू नहीं होते, से सीपीसी के रूल लागू हुए। तो इजी तरीके से न्याय व्यवस्था को डिसाइड करने के लिए, शॉर्ट में, संक्षेप में वाद को निर्णित करने के लिए यही उद्देश्य था इन कोर्ट्स को स्थापित करने का। तो अभी सीपीसी के जो ऑर्डर्स थे, ऑर्डर 1 टू ऑर्डर 51, ये कंप्लीट हो गए। सीपीसी में टोटल सीपीसी, इसमें से हमने सिस्टमेटिक एक एक करके कंप्लीट किया। अब सीपीसी क्लोज है, सीपीसी कंप्लीट है, लेकिन एक संक्षेप में 10 टू 15 मिनट्स में पूरी सीपीसी को कैसे कंठस्थ किया जाए, कैसे याद रखा जाए, और कैसे शॉर्ट में, जनरली में हम बात करें तो सीपीसी के प्रावधान मुझे याद हो, इसके बारे में हम बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में। और अभी हम आगे से नेक्स्ट एक्ट स्टार्ट करेंगे। सीपीसी का आज क्लोज हो रहा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।